हेलो एवरीवन, हम लोग का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है। एग्जाम का हमारे पास सिर्फ मुश्किल से गिन के देखो तो 4 4 डेज है, ठीक है। तुम्हारा 5th डेज में तुम्हारा 7वां ही आता है, तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। तो ये 5 4 दिन में तुमको करना क्या है, क्योंकि इस टाइम में तुम्हारा एंग्जाइटी लेवल एकदम सर के ऊपर से रहेगा, ठीक है। तो तुम लोग को करना क्या है, सबसे पहला पहला पॉइंट, तुम लोग अपना स्लीप शेड्यूल सबसे पहले ठीक करना है, क्योंकि एग्जाम तुम्हारा 2 बजे से लेके 5 5 10 तक होता है ना। तो तुम्हारा उस टाइम में तुम्हारा स्लीप, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा एकदम ये हो कि नहीं नींद आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, नींद नहीं आना चाहिए उस टाइम पे। और जैसे सवेरे सो जाया करो, ठीक है, 10 बजे सो जाया करो अपना, फिर सुबह में मॉर्निंग उठ जाया करो और एकदम 7 से 8 घंटे का नींद लिया करो, सबसे पहला। दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या है कि अभी फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं। और एक बार हाई वेटेज वाला टॉपिक जितना था, जितना चैप्टर्स का, सबको रिवाइज करके डेली 2 मॉक टेस्ट लगाने, वो भी फुल फुल, ठीक है, डेली। तुम्हारा मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज हो सकता है, हो सकता है 1 2 क्वेश्चन वैसा और नीट में पूछते तुम्हारा तुरंत 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 रिकॉल हो जाएगा कि नहीं ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो गया। तीसरा तुम्हारा रिवीजन, खूब रिवीजन करो जब टाइम मिले, खूब रिवीजन। 7 घंटा अपना सोना है, 1 2 घंटा टाइम पास, बाकी पूरे टाइम पढ़ना है, ठीक है। मॉक टेस्ट डेली 2 और 2 2, ठीक है, और फिर रिवीजन करो, बस ये करना है तुम्हारा। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इतना, क्योंकि 4 दिन है। और थर्ड पॉइंट कि तुमको अपने हेल्थ पे सबसे पहले फोकस करना है, क्योंकि टाइम बहुत नज़दीक है, मौसम चेंज हो रहा है, कभी धूप आ रहा है, कभी बरसात आ रहा है, कभी क्या आ रहा है। तो अपना अच्छा खाना खाना है, बाहर का कुछ नहीं, 3 4 दिन बिल्कुल बाहर का नहीं खाना, कोई मैगी चाउमीन कुछ नहीं, बस घर का खाना खाना है, ठीक है, और अपना हेल्थ पे फोकस करना है। और तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट कि तुमको अभी जितने भी तुम्हारे आसपास रिलेटिव से जो तुमको निगेटिव बात बोल रहे, जो तुमको हमेशा सोचे कि नहीं कैसे भी इसका नहीं हो, उन लोगों से दूर रखना है, ठीक है। जो होना होगा होगा, तुम्हारा मेहनत है, ठीक है, मेहनत करते रहना है, बस अभी खुद को मोटिवेट रखना है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारी हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये जो तुम्हारा 3 4 दिन का होना, इसमें तुम्हारा गेम पलट सकता है। अगर तुम्हारा मूड थोड़ा ख़राब हो गया, तुम डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी हो रहा है, तो तुम्हारा जो पासा पलट सकता है, ठीक है। इसलिए अपने आप को जितना हो सके खुश रखो, थोड़ा सा ये माइंड डाइवर्ट लगे तो कुछ वैसे लोगों से बात कर लिया करो जो तुमको अच्छे से समझा रहे, हमेशा मोटिवेट करे, ठीक है। तो ये सब का ध्यान रखा करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करो टेलीग्राम पे, हमेशा सभी के लिए हम अवेलेबल। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ओके बाबू, बाय, टेक केयर।